दोस्तों अगर आप भी चेन्नई को आईपीएल के फाइनल में खेलते देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों राजस्थान के खिलाफ चेन्नई को मिली मात्र 3 रन से हार, लेकिन पॉइंट टेबल में हो गया बड़ा नुकसान। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब होंगी आईपीएल के इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी बाहर। पॉइंट टेबल के नए समीकरण देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस बार आईपीएल का फाइनल चेन्नई, मुंबई, आरसीबी या फिर दिल्ली में से कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आईपीएल के 16वें सीजन के 17वें मैच में राजस्थान ने चेन्नई को 3 रन से हराया, जहां चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले खेलते हुए राजस्थान की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए, जहां जॉस बटलर ने 52 रन की शानदार पारी खेली। तो वहीं कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल लंबी पारी नहीं खेल पाए। जवाब में खेलने उतरी चेन्नई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बना पाई। और यहां चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गॉनवे ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत के करीब तक तो लेकर गए। लेकिन दोस्तों अंत में धोनी और रविंद्र जडेजा को मोर्चा संभालना था, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके, क्योंकि अंतिम ओवर संदीप शर्मा ने इतना शानदार करवाया कि उस ओवर में 21 रन चाहिए थे और 2 छक्के धोनी लगा भी चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी अंतिम गेंद पर जब 5 रन बनाने की बारी आई तो धोनी पर चौका नहीं लग पाया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हार गई। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि चेन्नई की टीम तो आसानी से ये मैच जीत लेगी, क्योंकि एमए चिदंबरम स्टेडियम को चेन्नई की टीम भली भांति जानती है। लेकिन दोस्तों यहां तो राजस्थान की टीम ने अपने झंडे गाड़ दिए और बता दिया कि चेन्नई को उनके गढ़ में ही हरा कर राजस्थान की टीम एक बार फिर से वापस लौट आई है। और यहां पर दोस्तों चेन्नई की टीम के खिलाफ मिली जीत ही नहीं बल्कि राजस्थान की टीम को काफी बड़े फायदे तो पॉइंट टेबल में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जीत को तो आप एक तरफ रख दो। जी हां दोस्तों यहां पर आइए आपको एक एक करके पूरी पॉइंट टेबल का समीकरण बताते हुए चलते हैं कि आखिर कौन सी टीम कौन से नंबर पर है और कौन सी टीम अब आईपीएल के इतिहास में इतनी जल्दी बाहर होने की कगार पर है। तो दोस्तों यहां पर जो अंतिम टीम निकल कर आती है वो तो आपको पता ही है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिनने 4 मैच खेले हैं और 4ों में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 0 पॉइंट्स के साथ ये 10वें नंबर पर है। वहीं बात करें 9वीं टीम के बारे में तो दोस्तों 9वीं टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जहां हैदराबाद ने 3 मुकाबले खेले हैं, 1 में जीत मिली है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है और 2 पॉइंट्स के साथ हैदराबाद 9वें नंबर पर है। वहीं बात करें 8वीं टीम के बारे में तो 8वीं टीम है मुंबई इंडियंस की टीम, जहां मुंबई की टीम ने 3 मैच अभी तक खेले हैं, 1 में इनको जीत मिली है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है और 2 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस की टीम 8वें नंबर पर है। वहीं बात करें 7वीं टीम के बारे में, जो 7वीं टीम है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, जहां बेंगलोर की टीम ने 3 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 1 में जीत मिली है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है और 2 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर आरसीबी की टीम मौजूद है। वहीं बात करें अगर पंजाब किंग्स की टीम के बारे में तो दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम ने 3 मैच अभी तक खेले हैं, 2 में जीत हासिल की है, 1 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट्स के साथ ये 6वें नंबर पर है। वहीं बात करें अगर 5वीं टीम के बारे में, जो 5वीं टीम है वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जहां चेन्नई ने अभी तक 4 मैच खेले हैं, 2 में जीत मिली है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है और 0.225 के नेट रन रेट के साथ 4 पॉइंट से लेकर चेन्नई की टीम 5वें नंबर पर है। वहीं बात करें अगर 4थी टीम के बारे में तो दोस्तों जो 4थी टीम निकल कर आती है गुजरात टाइटंस की टीम, जहां गुजरात की टीम ने 3 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 2 जीते हैं और 1 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट से लेकर गुजरात की टीम 4थे नंबर पर है। वहीं बात करें पहली, दूसरी और तीसरी टीम के बारे में तो दोस्तों तीसरी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां कोलकाता की टीम ने 3 मैच अभी तक खेले हैं, 2 में जीत मिली है, 1 में हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट के साथ कोलकाता की टीम 3रे नंबर पर है। वहीं बात करें दूसरी टीम के बारे में तो दोस्तों जो दूसरी टीम निकली है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जहां लखनऊ की टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं, 3 में जीत, 1 में हार का सामना करना पड़ा है और 6 पॉइंट्स के साथ 2रे नंबर पर एलएसजी है। वहीं बात करें पहली टीम के बारे में, जो पहली टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहां राजस्थान ने 4 में से 1 मैच हारा है और 3 मैच अपने नाम किए हैं और ऐसे में 1.58 के नेट रन रेट के साथ 6 पॉइंट से लेकर राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले नंबर पर है। तो दोस्तों यही है पूरा समीकरण आईपीएल 2023 की पॉइंट टेबल का, बाकी आप सब यहां पर देख भी सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है कि इस साल आईपीएल का खिताब कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।